बॉलीवुड की घंटी। स्वागत है आपकी। व्हाट इज एक्टिंग? एक्टर का मतलब क्या हो? इमेजिनेशन कितनी ज्यादा भगवत विषयक रति ख हो जाता है ख। जब आपको स्क्रिप्ट नेक्स्ट टाइम मिलेगी। लर्न एक्टिंग फ्रॉम होम। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजा, एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इमोशन की प्रैक्टिस कैसे करी जाए। दोस्तों, दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर बिगनर्स जिन्होंने अभी अभी एक्टिंग की शुरुआत करी है या एक्टिंग सीखना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रस यानी इमोशंस 9 प्रकार के होते हैं। बाद में 2 और अतिरिक्त रसों को रोशनी में लाया गया तो रस कुल 11 प्रकार के हो गए। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं रस जो है वो है श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भय रस, शांत रस, रौद्र रस, विभत्स रस और 2 और अतिरिक्त रस हैं। तो हम इमोशंस के बारे में तो जानते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? दोस्तों, अगर किसी को कहा जाता है कि श्रृंगार रस यानी श्रृंगार रस का एक्सप्रेशन करके दिखाओ, तो हम सब जानते हैं श्रृंगार रस मतलब क्या होता है। फीलिंग ऑफ लव, हैप्पीनेस, जॉयफुल। तो हम सब जानते हैं कि चेहरा थोड़ा खिला खिला सा रहेगा, एक स्लाइट सी हल्की सी मुस्कान रहेगी, सॉरी फॉर दैट वॉइस, चेहरा खिला खिला सा रहेगा, चेहरे पर हल्की स्माइल रहेगी, आंखों में चमक रहेगी। और श्रृंगार रस किसी ने बोला करने के लिए तो वी आर लाइक श्रृंगार रस चलेगा हल्का फुल्का ऐसे करके। और करुण रस किसी ने बोला पता है चेहरा डल रहेगा और हमने ऐसे करुण रस भी कर दिया। तो ये तो हो गया रस करना। तो एक बात आप मुझे बताओ कि मान लो आपके क्लास में कोई एक सुंदर सी लड़की है, प्यारी सी, जिसे आप पसंद करते हो, उसे आप चुपके चुपके देखते हो, वो वाला वो किसमें आएगा? श्रृंगार रस में, वो एक्सप्रेशन। या आप अपनी गर्लफ्रेंड, माफ करना गर्लफ्रेंड बोलना सही नहीं रहेगा, आप अपनी मोहब्बत से बहुत दिन के बाद मिले, मतलब जिसे आप प्यार करते हो, सालों बाद उससे मिलने वाले हो या मिले हो, तो उस समय जो आपके अंदर फीलिंग आएगी, जो एक्सप्रेशन आएगा, वो उसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस ही। तो क्या बताओ आप एक चीज़ कि ये नॉर्मल सा श्रृंगार रस क्या हर सिचुएशन में चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हमें श्रृंगार रस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल की प्रैक्टिस करनी है, राइट? क्योंकि रस तो एक ही है, पर सिचुएशन के अनुसार उसकी इंटेंसिटी बदलती है, यानी लेवल बदलता है। तो हमें भी एज एन एक्टर क्या करना होगा? उसी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी खुद की। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी रस हैं, हम उन सभी रसों को 9 लेवल में, 9 लेवल्स में प्रैक्टिस करेंगे, लाइक लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाना है, साथ में एक शब्द भी प्रोनाउंस करेंगे क्या, तो आपको उसकी इंटेंसिटी फील भी कर पाओगे, डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी उस वक्त वो भी जान पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस के बारे में। तो इसकी 9 इंटेंसिटी में मैं करके करने की कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या 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 क्या? तो मैंने समर्स करके 9 लेवल की प्रैक्टिस करके दिखाया। ये मैंने बहुत आराम आराम से आज से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन मैंने इमेजिन करा और मैंने करा। तो आप जब शुरुआत करें तो आप बेसिकली ये कोशिश करें कि आप सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाएं, लाइक क्या 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 क्या। इसी प्रकार आपको सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ानी है। अगर आपकी जो आप जो इमोशन कर रहे हो वो क्या ओवर भी चला जाए इस प्रकार, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आप क्या हो, बिगनर हो, अभी आप क्या चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो। तो शुरुआत में इमोशन को क्या करना, उजागर करना, इमोशन अपने अंदर लाना है।
अगर शुरू में कोई हम लोग इनकम करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 रुपए कमाए बैंक में डाल दिए, ऐसा तो नहीं करते ना, पहले हम पैसे कमाते हैं। अब देखते हैं ज्यादा पैसा हो गया कि यहां रखना सेफ नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, तो कुछ पैसे हटा के हम बैंक में रख देते हैं। उसी प्रकार इमोशंस का भी है, तो हमने क्या करना है, पहले इमोशन को अपने अंदर डेवलप करना है। जैसे अभी श्रृंगार रस का हो गया, अभी करुण रस का है, करुण रस में हम सब जानते हैं क्या होता है, चेहरा थोड़ा डल सा हो जाता है, तो वी आर लाइक इस प्रकार हो जाते हैं। तो अभी मैं एक दिखाता हूं लेवल 1 से कैसे इंटेंसिटी इसकी बढ़ेगी। क्या 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 तो अभी मैंने क्या ओवर करने की कोशिश करी, मैं चीजों को डेवलप कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अब एक बार मैंने क्या इतनी ओवर कर ली, मुझे पता है कि अभी क्या कर रहा हूं, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। तो एक बार आपने ना ओवर एक्टिंग समझ ली ना, तो आप क्या कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग। तो जब आप सिर्फ ओवर को, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ओवर को हटा देना है, तो आप क्या कर रहे होगे, सिर्फ एक्टिंग। तो मैंने इमोशन को समझ लिया, अब मैं क्या इमोशन को दबा सकता हूं, लाइक अगर मुझे करुण करना है तो मैं जो ओवर कर रहा हूं उसे मैं दबा सकता हूं। क्या तो मैंने चीजों को दबा दिया, क्योंकि मैं समझ गया, ऐसा ना बिगिनर जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो चीजों को इमर्ज होने देना, उसको बढ़ने देना। उसी तरह जब हास रस की प्रैक्टिस करोगे तो लेवल 1 से शुरू करना है, यानी हंसने की लाफ्टर पांच इसी प्रकार बढ़ाते जाना है, लाइक 9 9 गई। तो हमने क्या, इसकी इंटेंसिटी, माफ करना पेट पकड़ लिया यार इंटेंसिटी हमने इसकी बढ़ा दी। उसे अद्भुत रस यानी अमेज करने प्रैक्टिस, लाइक क्या क्या क्या। अब सबसे इंटेंसिटी ज्यादा वाला मैंने बढ़ा दी, तो क्या। तो अभी मैं चीजें, अगर आपको ओवर लग रही है कि आप जो करो ओवर करो, तो अब उसको दबा के उसकी ओवर हटा दो। क्या तो कर सकते हो, पर एज एन बिगनर मैं यही कहता हूं कि ओवर एक्टिंग से कभी मत डरना, चीजों को इमर्स होने देना, बढ़ने देना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, आपके पास पहले कितने थे, 11 रस थे, ठीक है। तो बेसिकली हम 9 रस का प्रैक्टिस करते हैं, 9 रस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो शांत रस है वो कब आता है, जब हम एक इमोशन से दूसरे इमोशन में शिफ्ट करते हैं। जैसे मैं भी हंस रहा हूं तो मैंने क्या करा, लाफ्टर से फेड किया, फिर करुण रस में आ गया। तो ये जो लाफ्टर से फेड हो रहा है, तो ये बीच के दरमियान, दोनों रस के बीच के दरमियान, इमोशन के बीच के दरमियान एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का फासला होता है, जहां हम शांत रस में जाते हैं, फिर दूसरा रस इमर्ज होता है। तो ये जो होता है ना शांत रस, हमेशा प्रैक्टिस होता रहेगा, तो इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इन 8 रस पहले आपके पास कितने थे, 8 रस बचे थे, तो आपके पास कितने वेरिएशन थे, 8 वेरिएशन है, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुण रस, हास रस, वीर रस, है ना, फिर भयानक रस, फिर रौद रस, है ना, फिर विभत्स रस, डिस्गस्टिंग, हेटरेट, उस प्रकार के रस थे आपके पास, 8 थे। आपके पास कितने हैं, आपके पास हर एक रस के 9 वेरिएशन है, यानी आपके 8 × 9 इक्वल टू 72 वेरिएशन आपके पास इमोशंस के हैं। तो आप मुझे बताओ कि वो 8 इमोशन बेहतर थे या 72 इमोशन है वो बेहतर है। तो दोस्तों ये काम कब आएगा बता रहा हूं, पहला तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जब एक्ट करोगे एक ही रस का, तो आपको सेम चीज नहीं दिखाना, आपको पता है कि यहां पे कौन, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कौन सा लेवल का आप रस डालेंगे और बाद में कौन सा लेवल का आप रस डालेंगे, कहां पर कौन सा सुटेबल रहेगा। अगर मान लीजिए आप कभी ऑन स्टेज या ऑन कैमरा प्रैक्टिस एक्टिंग कर रहे हो, माफ करना प्रैक्टिस नहीं एक्टिंग कर रहे हो, तो जब आप एक्ट कर रहे हो आपका कुछ रोमांटिक सीन है और आप डायलॉग बोल रहे हो, प्रिया जब तुम रहती हो ना साथ यार कोई टेंशन ही नहीं रहता, बस मैं यही चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो और जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी कट जाए। कितनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आती है ना यार, कुछ नहीं लगता है।
तो अपने डायरेक्टर ने बोला कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, आप ऐसा करो ना सर थोड़ा सा और श्रृंगारस बढ़ा दो। तो अब आपने क्या करा, आप अपने आपने पता है आपको कि 1 से 9 तक मैंने प्रैक्टिस करी है, तो अभी मैं 3 या 4 पे करता, मुझसे 5 कर देते हैं। प्रिया पता है यार तुम रहती हो ना साथ में तो जिंदगी बहुत आसान लगती है यार, कोई भी टेंशन पता ही नहीं चलता है। तो अब आपने क्या करा, अब आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस कर रखा, आप एक ट्रेंड एक्टर हो। तो आपको पहले क्या करना है, एक्टर एक ट्रेंड एक्टर बनना है। तो इस 8 रसों को जो इमोशंस हैं उसको हर एक पार्टिकुलर रस को 1 से लेकर 9 तक लेवल में इंटेंसिटी में प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास एक बार कंट्रोल आ जाएगा ना तो डायरेक्टर जो भी बोलेगा थोड़ा इमोशन बढ़ा दो, तो ऐसे स्विच कर जाओगे थोड़ा ऐसे, डायरेक्टर बोला थोड़ा हंसो, हंसने की कुछ एक्टिंग है तब हंस रहे हो रे मैं थोड़ा और हंसना है, अब जो 4 पे हंस रहा हूँ चलो 1 मिनट सर ठीक है, तो नहीं ठीक है अच्छा है थोड़ा और करो, आप बढ़ा दिए फिर से डॉक्टर मैं थोड़ा कम आपने हल्का कम कर दिया तो क्या आप ट्रेंड एक्टर हो, एक्टर नहीं, वरना आप में नॉर्मल पीपल में आप में क्या वो भी तो हंस सकते हैं, पर आप क्या हो ट्रेंड एक्टर हो। तो आपको करना क्या है, इन 8 रसों को 9 स्टेज में प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों ये लेवल फर्स्ट था, दिस फॉर जस्ट फॉर बिगनर्स। अब एक बार आपने चीज़ों को समझ लिया ना तो फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज डालूंगा, मैं जल्दी डालूंगा कि उसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपने इमोशन को डेवलप करने के लिए। ये सबसे पहला स्टेज था जहाँ से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस YouTube पे आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं, और बेसिकली मुझे पता है ये वीडियो पता है कौन देख रहे होंगे, मिडिल क्लास के लोग जिसके ड्रीम बहुत हाई रहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिच फैमिली का कोई बंदा रहेगा ना तो वो वीडियो पे टाइम वेस्ट क्यों, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। पर जहाँ यहाँ पे जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या कोई लड़कियाँ देख रही हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती होंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि चीज़ों को हम इनरिच करें। दोस्तों मैंने बहुत जगह सीखा है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, थिएटर, कोलकाता में, मुंबई में सीखा है मैंने, तो कहीं भी जाएंगे ना आपको यही सब चीज़ सिखाएंगी। और जो मैंने आपको 10 मिनट में बताया ना, इसमें एक वीक निकल जाएगा आपका, और ऐसे करते करते 2-3 टॉपिक में आपका पूरा महीना निकल जाएगा, और आपके क्या फ़ी लगती रहेंगी। एक पैकेज आता है उनका 50,000-60,000-1,00,000 रुपए का, आप पे करते हो और सीखते हो मात्र इतना सा, और फिर जब बाहर में जाते हो तो मुझे लगता है यार मैंने कुछ नहीं सीखा, बहुत कम सीखा, फिर आप कहीं और ज्वाइन करते हो। तो उससे बेहतर आप ये 10 मिनट ध्यान से चीज़ों को देखो और चीज़ों को सीखो। दोस्तों इसी प्रकार के मैं वीडियोस चैनल पर डालता रहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार आए हो, इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ बॉलीवुड की घंटी, उस पर जाओ, तो मैं एक्टिंग रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक इनिशियल स्टेज पर मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है, तो मैं आप लोगों के लिए इनिशियल शुरुआत स्टेज से जो आपको जानना ज़रूरी है एज एन एक्टर, एज ए बिगनर, मैंने सब कुछ डाला है जो आप समझ सकें, लाइक कैरेक्टराइजेशन, एक्टर का मतलब क्या होता है, रस कितने प्रकार होते हैं, इमोशन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ और आगे भी डालता रहूँगा। एक चीज़ और, आप में से कोई भी लोग अगर मुंबई आना चाहते हैं, दोस्तों जो मुंबई आना चाहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये होती है कि यार नया शहर है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, और बेसिकली कहाँ एक्टिंग सीखेंगे, कैसा शहर है, कितने पैसे लगते हैं, बेसिकली पैसे की बात आती है अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात होती है तो और ऊपर से आपके पेरेंट्स को भी मनाना होता है क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड है। सबसे पहले आपको एक करेज डेवलप करना होता है खुद के अंदर कि यार इस चीज़ में करें, फिर पेरेंट्स को मनाना होता है। तो अगर आपको इन सब रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाना, वेलकम टू मुंबई हेल्प करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस पर मैं इसी प्रकार के वीडियोस डालता हूँ, और आप वो वीडियो देखना ज़रूर, आपको मददगार साबित होगा वो वीडियो। दोस्तों अगर आपको इस अभी जो आज मैंने जो पढ़ाया आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल उथल पुथल मचा रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पूछना ज़रूर, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, और हाँ जैसा भी लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ता है यार जब मैं कमेंट देखता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स, एक्टिंग टिप्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों सुरक्षित रहें। मैं हूँ राजा, सी यू नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।